दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि इडली को साउथ इंडिया में ट्रेडिशनली चावल और दाल से बनाया जाता है, पर इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम चाहते हैं कि हर किसी रेसिपी को बनाने का एक इंस्टेंट तरीका हो और उसके टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आज टेस्ट बास्केट में आप टेस्ट करेंगे इंस्टेंट हेल्दी और एकदम सॉफ्ट बनने वाली रवा तड़का इडली का, जो कि ट्रेडिशनल इडली का एक बहुत अच्छा वेरिएशन है। और इस हेल्दी डिश को खाकर आप स्वस्थ तो रहेंगे ही और इसके स्वाद में एकदम मस्त भी हो जाएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉल में एक कप रवा सूजी लेंगे। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार और एक कप दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हम तड़का इडली बना रहे हैं तो इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल के हल्का गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल, 7 से 8 कटे हुए काजू, 2 कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो इडली में डलने वाले चावलों की कमी हो गई थी, तो उस टाइम पर लोगों ने इडली को रवा से बनाने का एक्सपेरिमेंट किया और तब से रवा इडली मार्केट में आ गई। तो स्टोरी स्टोरी में ही तड़का रेडी हो गया है। अब हम इसे बैटर में डाल के मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम इडली मोल्ड्स को तेल से ग्रीस कर लेंगे। दस मिनट हो गए हैं और बैटर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर को परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर लाएंगे। ध्यान रहे कि हमें पानी को एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही जितना रिक्वायर्ड है उतना डालना है। ये देखिए कि बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है। इसके लिए मैंने 1/3 कप पानी का यूज़ किया है। बस अब 1 टीस्पून इनो डालकर मिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए कि बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब बिना देर किए इस बैटर को इडली मोल्ड्स में डालेंगे। अब स्टीमिंग के लिए हम इडली कुकर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इडली प्लेट्स को केयरफुली रखेंगे और 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम में पकने देंगे। दोस्तों अगर आपके पास इडली कुकर नहीं है तो आप नॉर्मल प्रेशर कुकर का यूज़ भी कर सकते हैं, बस आपको स्टीम के लिए उसकी विसल निकाल देनी है। 12 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे कि इडली बनी है या नहीं। ये देखिए एकदम क्लीन टूथपिक बाहर आई है, तो इसका मतलब है कि इडली बन गई है। दोस्तों टूथपिक पर अगर बैटर चिपके तो इसका मतलब है कि इडली नहीं बनी और उसे और स्टीम की ज़रूरत है, तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दें। वाह भाई वाह, शक्ल से तो ये बहुत अच्छी लग ही रही है, यकीन मानिए खाने में भी उतनी अच्छी लगेगी। अब इसे हल्का ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और फ्लफी इडली बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी इडली को भी डीमोल्ड कर लेंगे। अब इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों इन चटनीज की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। तो अगर आपको ये इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।